हेलो एवरीवन। कभी कभी लाइफ में न चाहते हुए भी हम लव ट्रायंगल का हिस्सा बन जाते हैं और उनसे प्यार कर बैठते हैं जिनके लाइफ में और कोई है, या फिर आप दोनों के अलावा और कोई पर्सन इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है, उनके और थर्ड पार्टी के बीच में हो क्या रहा है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आपके लव ट्रायंगल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यहां पे दो ग्रुप्स में ये वीडियो डिवाइड हो चुका है, यानी एक ग्रुप जो है, एक कैटेगरी जो है वो ये है कि आपका सोलमेट आपको हो सकता है कि गलत टाइमिंग पे मिला हो, या फिर हो सकता है कि आपको आफ्टर मैरिज आपका सोलमेट मिला हो, या फिर आपका सोलमेट खुद मैरिड हो, कमिटेड हो और किसी से, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। वो ऐसे किसी पर्सन के साथ स्टक है जहां पे वो खुश नहीं है, फिर भी उनको कुछ जिम्मेदारियों की वजह से वो रिश्ता निभाना पड़ रहा हो, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरी कैटेगरी में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के और किसी के साथ चले गए हो और वहां पे बहुत ज्यादा खुश है। तो ऐसे दो अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे बन रहे हैं और दोनों ग्रुप्स की सिचुएशन और गाइडेंस मैं साइड बाय साइड आपको बताते जाऊंगी। आप लोगों ने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस गाइडेंस को लेना है। जब भी मैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाती हूँ, एक कैंडल जो है वो अपने आप बुझ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज्यादा है। वो पर्सन जो है आपके साथ बेरुखी से रह रहा है, या फिर आपको हर्ट कर रहा है, ब्रोकन फील करा रहा है, डिसअपॉइंटेड फील करा रहा है, ये एनर्जी मैं अभी इस वक्त आपके लिए सेंस कर रही हूँ। दोनों भी सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी है, यानी अगर ये पर्सन आपका सोलमेट है और आपसे बहुत प्यार करता है तब भी, और अगर ये पर्सन आपको छोड़ के और किसी के साथ चला गया हो तब भी ये पर्सन आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है और आप बहुत ज्यादा बुझे बुझे से हो, तब ये कैंडल जो है वो बुझ गई है। फिर से मैंने कैंडल जो है वो लगा ली है और बाकी की रीडिंग को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, आपकी लाइफ में ऐसे देखा जाए तो कोई कमी भी नहीं है, बट ऑल ऑफ अ सडन किसी का मिलना, उसके लिए कनेक्शन फील होना और फिर ऑल ऑफ अ सडन ही उनका जो थॉट है वो दिमाग से निकल ही नहीं पाना, ये आप दोनों भी फील कर रहे हो। यानी वो पर्सन के लिए आप उनके पहुंच के बाहर हो, उनको पता है कि आपका और उनका साथ जो है वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता है, या फिर आप लोग हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो, फिर भी वो आपको प्यार करने से रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे जुनून सा उनके ऊपर छाया हुआ हो, ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन उनको पता है कि इस कनेक्शन के कुछ लिमिटेशंस है, ये सीक्रेट रिलेशनशिप या फिर पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप के भी चांसेस को कंफर्म कर रहा है। आप लोगों ने अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस गाइडेंस को लेना है और क्या वो फील करते हैं आपके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे उनके साथ जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है और वो जो है इजीली उनके लाइफ से नहीं जा रहा हो, या फिर उनके पास कोई चारा नहीं है उनके साथ रहने के अलावा, किसी मजबूरी की वजह से या फिर किसी जिम्मेदारी की वजह से उनको उनके साथ रहना पड़ रहा हो, ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप इनके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्पेशल हो, लेकिन शायद वो इस कनेक्शन के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं।
आप लोगों की दुनिया जो है वो अलग अलग है, यानी उनकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है, उनकी एक अपनी लाइफ है, उनका एक अपनी फैमिली है, आपकी एक अपनी फैमिली है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ है जो आप दोनों का है। आप दोनों की एक छोटी सी दुनिया एक बड़ी सी दुनिया में मुझे दिखाई देती है, और इस दुनिया में सिर्फ आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो, रियलिटी से दूर भागते हो, इल्यूजन में रहते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों को एक साथ कनेक्टेड रहने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, और कई बार आपको ये भी लगता है कि ये आपके साथ हुआ ही क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, यानी ऑल ऑफ अ सडन कोई इंसान इतना कैसे जरूरी हो गया आपके लिए, ये सवाल भी आपके दिल में अक्सर आता है। मुझे ऐसे लगता है कि इस इंसान के लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हो, बट कई बार हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है, और जब हम ऐसे किसी कनेक्शन को बहुत ज्यादा स्पेशल समझते हैं लेकिन उसके साथ हम उतना ज्यादा स्पेशल ट्रीट नहीं कर पाते हैं, वैसा कुछ इनके साथ हो रहा है। यानी ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल फीलिंग्स तो रखते हैं लेकिन वैसा कुछ खास वो आपके लिए नहीं कर पा रहे हो, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। और उनके लाइफ में जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग पर्सन है, और वो इनके ऊपर कई तरीके के पैतरे आजमा रहा है, यानी उनके साथ वो माइंड गेम खेल रहा है, यानी कभी तो वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, कभी इमोशनल प्रेशर डाल रहा है, और कभी तो वो ऐसी कुछ एनर्जीज का इस्तेमाल कर रहा है जो उनके लिए भी सही नहीं है। वो सारी एनर्जीज की वजह से ये पर्सन ना थोड़ा सा पजल्ड एनर्जी में आ जाता है, और आपके बारे में सोचे कि उनके बारे में सोचे, ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये थर्ड पार्टी जो है वो उनको सुधरने ही नहीं दे रही हो, ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन इनके लाइफ में भले ही वो है, इनके दिल में हमेशा ही आप रहोगे, इसीलिए आप लोगों ने दुआएं करना चाहिए और मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। अगर वो पर्सन वो दूसरे इंसान के साथ खुश है तब मैं कभी भी आपको मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं कहूंगी। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुशी रहने देना चाहिए, तब लेट गो करना ही हमारे लिए जरूरी होता है, भले ही हम वो कर पाते नहीं कर पाते बात की बात, लेकिन वो सिचुएशन में वही एडवाइजेबल रहता है। तब आपने अपनी एनर्जीज ड्रेन करके उनको मैनिफेस्टेशन नहीं करना होता है। लेकिन आपकी सिचुएशन में वो पर्सन आपकी वैल्यू करता है, आपको प्यार करता है, आपकी कद्र करता है, हो सकता है कि कुछ फियर बेस्ड थॉट्स की वजह से आपके सामने नहीं आ रहा हो, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रहा हो, या फिर एक्सप्रेस करने के बाद भी कुछ ऑब्स्टेकल्स महसूस कर रहा हो, इसलिए आप लोगों ने दुआएं करना चाहिए ताकि ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर कम हो जाए और आपका रिश्ता जो है वो मजबूत हो जाए और आपको कुछ बीच का रास्ता मिल जाए। अब दूसरी कैटेगरी पे फोकस करते हैं। अब वो कैटेगरी पे हम फोकस करने वाले हैं जहां पे वो पर्सन आपके बिना खुश है, थर्ड पार्टी पे फोकस कर रहा है और उनके साथ रहने की वजह से कहीं ना कहीं आपको भुला दे रहा है। ऐसा जब है तब देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे उनके और थर्ड पार्टी के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, यानी ये सुपरफिशियल रिश्ता रहने के चांसेस है। वो फिजिकली किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो गए हैं और उसकी वजह से आपके कनेक्शन के ऊपर उनका फोकस थोड़ा सा हट गया हो, ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी वो और किसी पर्सन के लिए स्ट्रांग अट्रैक्शन वो महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने आपको थोड़ा सा साइड कर दिया हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में यहाँ पे सारे थॉट्स आ रहे हो, ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। भले ही यहाँ पे एक स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन है लेकिन ये सुपरफिशियल है। आपका और उनका रिश्ता जो है वो इमोशनल कनेक्शन है, ज्यादा स्ट्रांग है, बट अभी इस वक्त उनका फोकस ये दूसरे रिश्ते पे मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है और वो उसी के इन्फ्लुएंस में आके उसी के दिमाग से चल रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब उनको और कोई नहीं समझ आ रहा है, वही वो दिख रहे हैं। जैसे किसी चीज का नशा चढ़ जाता है, वैसे अभी इस वक्त इस इंसान का नशा इनके ऊपर चढ़ चुका है और इनको बाकी की कोई भी चीजें नहीं समझ आ रही है। धीरे धीरे ये पर्सन इनका मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ा रहा है और कुछ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इनके वजह से इनके लाइफ में आ रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हीं के साथ बना रहना प्रेफर कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। जिस तरीके से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, हो सकता है कि फ्यूचर एनर्जीज में वो थर्ड पर्सन जो है इनका दिल तोड़े, इनको इनका कर्मा मिलने वाला हो, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अभी इस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश है, उस पर्सन के साथ आगे के प्लानिंग कर रहे हो, उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हो, और आप जो है उनको देख देख के दुखी हो रहे हो, या फिर आपका दिल टूट रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही इन्होंने प्यार निभाया है, ये मेरे साथ किया है, ये मैं डिजर्व नहीं करता हूं या करती हूं, इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में है।
आपके लिए गाइडेंस यही है कि ये पर्सन अगर लौट के भी आता है तो भी आपने इनको दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो पर्सन आपका दिल दुखा सकता है वो आपके प्यार को डिजर्व नहीं करता है, और आप उनको ये दिखा रहे हो कि आपको कैसे भी ट्रीट किया तो चलता है, यानी आप उनको सिखा रहे हो कि आपको कैसे भी ट्रीटमेंट दे तो भी चलता है, वो जो भी कर रहे हैं उनका आना जाना, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करना या फिर आपको टोटली इग्नोर करना, ये आप चला के ले रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो। प्यार इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्यार से भी ज्यादा जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो रहे हो, तो आपने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर उठाना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना है। और अगर ये पर्सन आपके बिना खुश है तो इसे जाने देना चाहिए, क्योंकि रोकर बिलककर रिश्ते नहीं बनते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। किसी का चले जाना कभी कभी एक ब्लेसिंग के जैसे होता है, आपका और उनका साथ इतना ही था, ये आप लोगों ने सोचना है। उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसका कर्मा उनको भुगतना जरूर पड़ेगा, आपको रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, आपने बस उनको ब्लेसिंग्स देके छोड़ देना है, इनको माफ कर देना है। इसलिए नहीं कि ये डिजर्व करते हैं, इसलिए क्योंकि आप मेंटल पीस डिजर्व करते हो, और जब आप जाने देते हो, जब आप लेट गो करते हो, तो जो पर्सन आपके लिए सही है, आपके लिए बना है, जो आपकी फिक्र करता है, आपको प्रायोरिटी में रखता है, तब कोई ऐसे पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। तो अगर आप किसी सही पर्सन से मिलना चाहते हो तो कोई ऐसा गलत पर्सन जो आपके दिलो दिमाग में है, जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, उसको आपके दिमाग से रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। वही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। वो आप लोग जब करोगे तब कोई बेटर पर्सन जो आप डिजर्व करते हो, जिस तरीके का प्यार और केयर आप डिजर्व करते हो, तब वो आपके लाइफ में आ पाएगा। ये आप लोगों ने समझना है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। काफी हेवी एनर्जी ग्रुप टू की मुझे दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। यानी आप दोनों भी सिचुएशन में, आप दोनों के लिए यही गाइडेंस है। यानी अगर आपका पर्सन आपके बिना खुश है तब भी, और अगर आपके पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो तब भी, आप दोनों के लिए यही गाइडेंस है कि आप लोगों ने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, खुद को एस्टैब्लिश करना है, करियर पे ध्यान देना है, और ज्यादा ग्रेसफुल रहने की कोशिश आप लोगों ने करना है। और जो पर्सन आपको ड्रेन करा रहा है, और जो पर्सन के वजह से आप बहुत ज्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो, अगर कोई रिश्ता बचा के रखने में आप टूट रहे हो, तो आप लोगों ने ये समझना है कि इस रिश्ते का टूट जाना ही आपके लिए बेहतर है। अगर कोई रिश्ता आप जबरदस्ती जकड़ के रख रहे हो तो उसको जाने दीजिए। अगर वो लौट के आता है तो वो आपका है, और अगर वो लौट के नहीं आता है तो वो आपका कभी था ही नहीं। आप जबरदस्ती उनको लाइफ में रखना चाह रहे थे, ये उसका मतलब होता है। तो कभी कभी कुछ रियलिटी को एक्सेप्ट करना, जो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन वही सही होता है, वो आप लोगों ने समझना है, अपनी सिचुएशन समझना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ध्यान रखना है। ग्रुप वन ने वेट करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, और वो पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालेगा, ये समझना है। ग्रुप टू ने ये ध्यान में रखना है कि अगर वो पर्सन लौट के भी आता है तो भी आपने उनको चांस नहीं देना चाहिए, आपने अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, और जो आपके लिए बना है, जो आप डिजर्व करते हो, वैसा प्यार और केयर देने वाला जब आपको मिलेगा, तब आपको समझ आएगा कि जो भी हुआ आपके लाइफ में वो अच्छे के लिए हुआ। इसीलिए अभी थोड़ा सा लेट गो करना, इस रिश्ते को जाने देना आपके लिए सही है, ये आप लोगों ने समझना है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपके लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।